पिछले दिन तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव औचक निरीक्षण के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गए रात्रि में, और वहां की अनियमितता और पेशेंट के शिकायत पर भौचक रह गए तेजस्वी यादव, और तेजस्वी यादव ने निलंबित कर दिया वहां के अधीक्षक को। अधीक्षक के निलंबन के बाद डॉक्टरों में खलबली मच गई और डॉक्टर्स ने विरोध करना शुरू किया। एसोसिएशन ने कहा यह निलंबन गलत है, निलंबित डॉक्टर को किया जाना गलत है, निलंबन वापस लेना होगा। इस पर तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि निलंबन वापस किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी, हम जनता के सेवक हैं और डॉक्टर की अनियमितता और आईजीएमएस में जो कमियां दिखी उसके मुताबिक डॉक्टर के हेड अधीक्षक को सस्पेंड किया गया और भी कार्रवाई की जाएगी। अच्छे काम करने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा और गलत करने वाले को निलंबित किया जाएगा। इस पर डॉक्टर्स नाराजगी जताई और तेजस्वी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए वापस लेने की बात कही। लेकिन तेजस्वी यादव के इस फैसले से भाजपा के नवल किशोर यादव विधान परिषद सदस्य ने समर्थन किया और तेजस्वी के इस कदम का सराहना करते हुए कहा कि कमियों को दूर करने के लिए अगर पदाधिकारी को और आईजीएमएस के अधीक्षक को निलंबित किया गया तो यह कदम सही है। नवल किशोर राय यादव जो घोर विरोधी तेजस्वी के माने जाते थे, लेकिन तेजस्वी के इस कदम पर तेजस्वी का समर्थन किया, यानी भाजपा भी यह बात मानती है कि डॉक्टर्स के गड़बड़ी और डॉक्टर्स के लापरवाही के कारण बिहार की जनता की दुर्दशा होती है अस्पतालों में, इसलिए कार्रवाई सही है। भाजपा के नवल किशोर यादव ने भी समर्थन किया। उधर मंत्री जमा खान भी तेजस्वी यादव के कदम का समर्थन किया। एक और जहां डॉक्टर्स नाराज हैं और वापस निलंबन करने की बात कहते हैं, वहीं भाजपा सहित सत्ता पक्ष और जदयू के मंत्री भी तेजस्वी के इस कदम का समर्थन कर रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की जो हालत है, जो डॉक्टर्स और नर्सों की मनमानी है, अस्पताल में जिस तरह मरीजों को भेड़ बकरी समझा जाता है, ऐसे हालत में अगर तेजस्वी यादव ने निलंबित किया, इसके पूर्व जब पीएमसीएच गए थे तो 60 दिन का मोहलत दिया था कि 60 दिन में आप डॉक्टर्स नर्स और स्टाफ सुधर जाएं, वरना कार्रवाई होगी। फिर भी जांच में आईजीएमएस के अधीक्षक दोषी पाए गए और उन्हें निलंबित किया गया। इस निलंबन के बाद डॉक्टर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई तो वहीं भाजपा सहित अन्य दल के नेताओं ने तेजस्वी के इस कदम का समर्थन किया। और नवल किशोर यादव ने तो यहाँ तक कहा कि तेजस्वी अगर अच्छा करना चाहेंगे तो नीतीश कुमार करने नहीं देंगे, और नीतीश कुमार अगर कड़े रुख अख्तियार कर ले तो हर विभाग में भ्रष्टाचार, घुसखोरी और गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। तो अब देखना है कि आगे तेजस्वी की इस तरह के कदम के कौन कौन से समर्थन करते हैं और आगे क्या होता है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।